नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एकदम सीधी बात पे आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चांसलर भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। थैंक यू काजोल। सर, 2007 से दिसंबर 2009 तक आपने उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में वो पद संभाला और हमने देखा है कि जब आप डीजीपी रहे तो यूपी की कानून व्यवस्था बहुत हाई लेवल की थी। थैंक यू काजोल। ये पहले ही तय हो गया था शासन से कि पुलिस अपने हिसाब से मतलब केवल कानून से चलेगी, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, केवल विधि सम्मत कार्रवाई होगी। आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अनुरूप कार्रवाई होगी। अगर उचित समझें तो मुझे बना दे डीजीपी, नहीं उचित समझें तो मैंने कोई मांग कभी किसी से नहीं की है, तो मैं कहीं और डीजीपी हो जाऊंगा, नहीं बनूंगा डीजीपी, लेकिन डीजीपी अगर रहूंगा तो केवल विधि सम्मत कार्रवाई के लिए। और ये ईश्वर की कृपा है कि मुझको पूरा अवसर मिला कि विधि सम्मत तरीके से न्यूनतम, मैं तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं, न्यूनतम राजनीतिक हस्तक्षेप मेरे कार्यकाल में रहा। मुझे पूरी स्वतंत्रता थी जिसका परिणाम जनता को और प्रदेश को मैं देने में सक्षम रहा, ये मेरा अहोभाग्य था। तो वो समय जो उत्तर प्रदेश का रहा और अब जो उत्तर प्रदेश का समय है, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को? मैं केवल अपने कार्यकाल को अगर देखूं, मैं खुशकिस्मत था कि मुझे कोई राजनीतिक हस्तक्षेप मेरे कार्य में नहीं हुआ। मैं जिसको चाहता था हटा देता था, बर्खास्त कर देता था, जिसको चाहता था नियुक्त कर देता, जिसको चाहता था हटा देता था। मुझे बताया जाता है कि आज लगभग ऐसी ही सूरत है, लेकिन तब की अगर बात करें तो मेरे पहले ऐसे हालात नहीं थे और मेरे बाद भी ऐसे हालात नहीं थे। और जिसका परिणाम सबके सामने है उसकी ज़्यादा चर्चा न करके, लेकिन आज मुझे ये बताया जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम स्तर पे है, फ्री हैंड है अधिकारियों को। दूसरा, शीर्षस्थ स्तर के ऊपर अपराधियों से लाभान्वित कोई नहीं हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा गुणात्मक अंतर ये है। शीर्ष स्तर पे अपराधियों से कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है और यहीं पर आपको मालूम पड़ जाता है खरे सोने में और पीतल में। ठीक है, आगे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इससे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर विक्रम सिंह को कहां से जेल उठी कि देश के लिए कुछ करना है, कानून व्यवस्था में कुछ करना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो मैं इसमें जाऊंगा तो मैं ये करूंगा और ऐसे अपने प्रदेश की या देश की रक्षा करूंगा। विक्रम सिंह जब 17 साल का था तो उसे सन्यासी बनने की इच्छा हुई। रामकृष्ण मिशन मुट्ठीगंज प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में गया और महाराज जी से कहा कि मैं सन्यास दीक्षा लेना चाहता हूँ। उनका अभी नहीं, अभी तुम्हारे पास अपना कहने को कुछ नहीं कि जो तुम त्याग सको, तुम संसार में जाओ, पहले कुछ सिद्ध करो, उसके बाद तुम सन्यास की सोचना, और तुम जहाँ पर हो तुम वहीं पर सन्यासी की तरह रहते हुए देश की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, उससे बड़ा पुण्य हो नहीं सकता है। बात समझ में आ गई। दीन दुनिया छोड़ करके मैंने पढ़ाई में जुट गया, और कोई मेरा शौक नहीं, और आईपीएस में आ गया, आपके सामने हूँ, उत्तर प्रदेश का आर्डर मिला और उसके बाद सेवा। जिंदगी के कुछ उसूल थे जो कि सन्यासियों के होते हैं, न किसी से के साथ बैर भाव रखना, सेवा में अगर तन बन जाता है कल तो आज चला जाए, और किसी से कोई अपेक्षा न करना कि किसी से कुछ प्राप्त करना है, किसी से भी। जब मैं किसी कह रहा हूँ तो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई और हो, और फिर प्रकृति आपको इतना उपकृत कर देती है कि फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो राजनीतिक मित्र थे चाहे परिवार में हो या बाहर के, कि जब तक मैं सेवा काल में हूँ कृपा करके मेरे घर आने का कष्ट न करें, क्योंकि मैं आपकी कोई सेवा कर नहीं पाऊँगा, मैं देश सेवा में हूँ और तब तक मैं आपके घर पे भी नहीं आऊँगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर औचित्यपूर्ण कोई बात है रात के 12 बजे, जो कि एक रिक्शे वाले के लिए भी है और आपके लिए भी है, औचित्यपूर्ण नहीं है तो वो नहीं होगा, गांठ बांध लीजिए, वो होने वाला नहीं है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा था, ऐसा लगातार कहते रहे हैं, आंकड़े भी बताते हैं। 2017 के बाद से जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल हुआ है, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है उसको ज़रा मैं समझना चाहूँगी। वो एक संधि काल था, 2017 में जो क्रिटिकलिटी देश और समाज में आई इसके ऊपर तो शोध होना चाहिए,
2017 के पहले जो बाहुबली थे, जिसकी प्रॉपर्टी पसंद आ गई उसको बता दिया कि ये अगर 10 करोड़ की है तो 25 लाख दे रहे हैं, चुपचाप रजिस्ट्री करना वरना मार दिए जाओगे, जिसकी चाहे ठेके पे हत्या हो जाए। पोस्टिंग ट्रांसफ़र राजनीतिक तरीके, तौर तरीके, लाभ और हानि के आधार पर होते थे। 2017 में ये सब बदल गया। बाहुबली, राजनेता और प्रशासन, इनकी टिकड़ी ने जनता को चूस के बराबर कर दिया था। ये चीज़ 2017 में जब समाप्त हुई तो यही सवाल आप जा करके ज़रा सामान्य रिक्शे वाले, पान वाले और जो समाज के दुर्बल वर्ग हैं उनसे ज़रा पूछिए, इसका बेहतर उत्तर वो देंगे जब सर्वत्र नोएडा से लेकर देवरिया तक एक ही स्वर में योगी राज की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, तो ज़रूर उसमें कोई मेरिट है। सबसे पहले, कोई अपराध और अपराधियों से लाभान्वित नहीं हो रहा है। अपराधी कोई भी हो, लोग बिरादरीवाद की बातें करते हैं, लेकिन ये मैं बता दूं आपको, अपराधी अगर है तो उसका सत्यानाश और मिट्टी में मिलना निश्चित है। आज नहीं तो कल मिट्टी में मिलेगा, जैसे अतीक और अशरफ मिले। और वो बाहुबली जो जेल के सलाख के पीछे हैं, जिनके साथ डीएम बैडमिंटन खेलने जाते थे जेल के पीछे, जिनके लिए मछली के तालाब खोदे जाते थे कि ताज़ी मछली खाएं, वो भी ज़माना इस प्रदेश ने देखा है कि जिस जेलर को, जिसको अधिकारी को घूर दें, वो भय के मारे इस्तीफा देता था या तबादले के लिए तैयारी करता था। जी, इसके अलावा बसपा की सरकार रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव को लेकर आपने एक बयान दिया था, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उसको भी मैं समझूंगी। देखिए, शासन प्रशासन निष्पक्ष तरीके से चलता है, कोई भेदभाव नहीं। हमारी दो आंखें हैं, हम उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि बाईं आंख अच्छी, दाहिनी अच्छी, बाईं में दवा डालें, दाहिनी में दवा न डालें, और हमको दोनों की सब बराबर, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। दंगे में पूरी निष्पक्षता के साथ जो आतताई है, मैंने किसी बिरादरी का शब्द नहीं लिया, दंगे में कानून व्यवस्था में जो भी आक्रामक पक्ष है, उग्र पक्ष है, आतताई पक्ष है, आपने देखा होगा सिगरेट कैसे रौंद के ख़त्म किया जाता है, सिगरेट के बट की तरह उसको रौंद दीजिए। मैंने किसी जात संप्रदाय का तो नाम नहीं लिया, तो जो आक्रामक पक्ष है, जिसके जो समझ रहा है कि मेरे लिए कहा जा रहा है, उसको बुरा लगता है तो लगता रहे, क्योंकि मैंने भी देखा कि जो आतताई है वो चैन से रोटी नहीं खा पाएगा। आप कहीं भी रहें, ढूंढ करके, बिलों से खींच करके ला करके, आपको कानून और विधिवत तरीके से आपका हिसाब किताब किया जाएगा, बहुत कायदे से। आप हो जाएंगे तबाह, आप भूल जाएंगे अरमान, पत्थर पथराव क्या होता है और आगजनी क्या होती है। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जब जब बुलडोजर चलता है गरीबों पर चलता है, बुलडोजर उन पर नहीं चल रहा जो माफिया है। हालांकि खबरें ऐसी आती है कि माफियाओं पर उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो बुलडोजर को गलत समझता है। बिल्कुल समझना भी चाहिए उनको। मैंने कहा ना कि जब पूत मरता है तो रुलाई छूटती है दहाड़ के साथ, और जब कमाऊ पूत मरता है, जब काली कमाई के सामने, आपके सामने जो आप जहां बैठी हैं, ट्विन टावर गिराया गया, बहुत लोग रोए होंगे, लेकिन वो ट्विन टावर से ट्विन टावर ही नहीं था, वो पाप और भ्रष्टाचार की इमारत थी। तो पाप और भ्रष्टाचार की इमारत जब गिरती है कजौल जी, तो जो उसके पीछे लाभान्वित हो रहे थे वो रोएंगे, आलोचना करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से एक संगठित अपराधी की तरह इसका विरोध करेंगे, बनिस्बत इसके कि ये खुद कह दें कि ये हमसे गलती हो गई है, इसको बिल्कुल ध्वस्त हो जाना चाहिए, अपनी आदतें सुधार लें। लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती हैं, और उन्हीं लोगों को ये विलाप होता है जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्होंने ये अपना साम्राज्य अपराध और भ्रष्टाचार के जरिए खड़ा किया। और ये कह देना केवल गरीबों पे, आप वो इमारतें नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखिए जो गिराई गई हैं, वहाँ के ग्रेनाइट और मार्बल की नीलामी अगर करा दी जाए तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ गरीबों पे नहीं, जिसने जो किया, हमके अधिकांश, तो अधिकांश 90% तो साधन संपन्न लोग और सुपर रिच लोगों के घर पे बुलडोजर चले हैं। अतीक, अशरफ, मुख्तार, ये सब क्या है, ये जी, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं, ये गरीब लोग हैं, ये अरबपति लोग हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि आरोप लगते रहे हैं, और ये बहुत तीखा सवाल हो जाएगा लेकिन मैं पूछूंगी ज़रूर, कि एनकाउंटर नीति
एनकाउंटर नीति इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अधिकारी हैं अपने प्रमोशन के लिए और गुड बुक्स में रहने के लिए एनकाउंटर कर देते हैं। एनकाउंटर की कोई नीति नहीं होती है। अगर मैं घर में बैठा रहूं, एसी चल रहा है, मैं भी आराम से बैठूं, मुझे निकलने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ही इनकाउंटर होगा। इनकाउंटर करने के लिए अपने पीठ पे AK-47 300 राउंड डेडिकेटेड 50 अधिकारियों की एक फ़ौज जो गर्मी जाड़ा बरसात उलझाले जो उसकी चमड़ी बिल्कुल जैसे भैंस की चमड़ी होती है उस तरीके की हो जाती है, गोली चलती है उसमें, गोली लगती भी है, मरते भी हैं, तो 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, तो ये मान लिया जाए कि सब फर्जी मुठभेड़ें होती हैं। लेकिन जो बात आपका है कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, पैसे ले करके, उत्कोच ले करके इनकाउंटर करना, यह पुलिस लीडरशिप से उम्मीद की जाती है कसाई बन जाए ऐसे इनकाउंटर्स के ऊपर, हत्या का मुकदमा लिख करके ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों को भेजें जेल, बर्खास्त करें, उनकी संपत्ति करें कुर्क, क्योंकि वो बदनुमा धब्बा है पुलिस की पवित्र वर्दी के ऊपर। और मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसे 3 केसेस अभी हुए हैं कि यूपी पुलिस के लोगों को आजीवन कारावास मिला है और उनकी नौकरी भी गई है। लेकिन पुलिस नेतृत्व को समझ, और जो एक शासन आपको एक सुविधा देता है, अगर आप समझते हैं कि फर्जी मुठभेड़ है, तुरंत 302 का मुकदमा लिखवा दे हत्या का। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनको आप दरखास्त भेज दें और इसकी जांच के लिए आप CBCID का आवेदन कर दें। निसंदेह अगर कोई चीज़ संदिग्ध है तो विवेचना में, प्रकाश में ज़रूर आएगी। आज का जागरूक समाज और कोई भी पुलिस महानिदेशक हो, मुख्यमंत्री हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई IG DIG बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके नीचे ये पापाचार, ये पापकर्म हो और हत्या हो और ठेके पर हत्या हो। डॉक्टर विक्रम सिंह जब DGP रहे उत्तर प्रदेश में, गुंडे माफिया कुछ अभी हैं मौजूद जो जेल में हैं, कुछ ऐसे हैं जो भगवान के पास हैं, थर थर कांप रहे थे। कई बार ऐसा कहा गया कि उनका तबादला करा दीजिए वरना हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, हमें जेल के अंदर मरवा दिया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई? इसमें पूरी सच्चाई है। राजू भटनागर जिसने अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की बात कही, तो उसने कहा था विक्रम सिंह मेरी हत्या करा देंगे, मैं जेल में हूँ। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि जेल में सांप निकल आते हैं, तुम्हारी खैरियत जेल के अंदर भी नहीं है। अतीक और मुख्तार ने कहा कि अगर उनकी हत्या होती है उसकी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। मुझे खुशी है कि उन्होंने यही कहा कि मैं उनकी हत्या कर दूंगा। कहीं ये कह देते कि मेरी उनके पारिवारिक संबंध है, दांत काटी रोटी है, तो मेरे लिए तो डूब मरने वाला काम होता। हालांकि मैं संविधान से चलने वाला हूं, अगर मैं कोई काम करूंगा संविधान के अंदर रहते हुए, मेरे ऊपर गोली चलेगी तो जो कानून मुझे जितना अधिकार देता है अपनी और किसी अन्य की रक्षा के लिए, मैं न्यूनतम बल प्रयोग करूंगा, और उसमें अगर मेरी या किसी अन्य की मृत्यु हो जाती है तो कानून अपना काम करेगा। अतीक अहमद अशरफ की हत्या हुई, बहुत सवाल उठे, पुलिस की कस्टडी में हत्या हो गई, कैसे हो गई? पुलिस पर सवाल उठे कि पुलिस क्या कर रही थी। वो वीडियो बार बार जूम करके तमाम चैनल्स ने, तमाम सोशल मीडिया पे हमने देखे, आम जनता तक वो वीडियो पहुंचे, उसमें देखा गया कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। काजल, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं इसमें पुलिस के कृत्य की और उनकी कर्तव्यपरायणता के ऊपर प्रश्नचिन्ह नहीं, मैं निंदा और भर्त्सना करता हूँ। मेरी कस्टडी में, मेरे अभिरक्षा में कोई हो और उसकी हत्या हो जाए, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। आपने न सिर्फ एक गैर कानूनी काम किया, आपकी लापरवाही और जग हसाई पूरे विश्व में हुई है। आपने, अब मैं सिलसिलेवार उनकी गलतियां गिनाऊं, एक्सेस कंट्रोल नहीं, जिसका जो चाहे चला आया, 2 जिगाना पिस्तौलें लेकर के जो 2-2 किलो की होती हैं, आप जेब में एक मोबाइल रख लीजिए, मैं बता दूंगा मोबाइल है, और 2 किलो की पिस्तौल हम लेके चले गए और बिल्कुल कनपट्टी पे लगा करके मैंने गोली मार दी पॉइंट ब्लैंक। आपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी नहीं की, लोगों की फ्रिस्किंग नहीं की, आपने अवांछित लोगों को नज़दीक आने दिया और हत्या हो गई। उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो उससे भी ज़्यादा संदिग्ध है। जिस तरीके से पुलिसकर्मी टूट पड़े हत्यारों के ऊपर, ये मैं जानता हूँ कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है, मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करूँगा, लेकिन इतनी स्विफ्ट और इतनी मुस्तैद 5 सेकेंड के अंदर नहीं होती है। अगर हो, भगवान करे मैं गलत हूँ, लेकिन ये पूरा हमें स्क्रिप्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ये उम्मीद करता था कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पर थे उनको निलंबित किया जाए,
उनके ऊपर अपराध पंजीकृत किया जाए और कार्रवाई हो प्रशासनिक, कि उन्होंने कर्तव्य के प्रति उदासीनता प्रदर्शित की है, घोर लापरवाही बरती है। नेशनल सिक्योरिटी पे क्या कहेंगे आप? नेशनल सिक्योरिटी के कई आयाम हैं। सबसे पहले हमारे लेट CDS विपिन रावत जी ने कहा था ढाई फ्रंट, पाकिस्तान चीन तो है ही है, उसके बाद इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स रोहिंग्या आपके जो रिफ्यूजीज हैं, इसके अलावा आपके स्लीपर सेल्स, सबसे बड़ा खतरा आपको स्लीपर सेल से है। और जब कभी आप कोई आंदोलन देखती हैं तो वहाँ पे टूल किट आ जाता है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, योगी जी हो, तो टूल किट और पैसा, ये कहाँ से आता है पैसा? फंडिंग कहाँ से आती है? तमाम चीज़ें उठती हैं। फिर इसके लिए तो अलग शो आपको करना पड़ेगा। PFI के ऊपर है, इलीगल इंडियन करेंसी है जो कि बहावलपुर पाकिस्तान में छपती है, नेपाल के बॉर्डर से आती है, जो कैटल स्मगलिंग है बांग्लादेश की, इस ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है। ड्रोन से नाजायज़ हथियारों का आना, ड्रोन के माध्यम से हथियारों का आना, नाजायज़ इंडियन करेंसी का आना और विस्फोटकों का आना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि स्लीपर सेल्स वगैरह को निश्चित। और स्लीपर, आपने जब PFI की बात की, PFI के अगर संगठन को आप देखें कि हमारे आपके जीवन में जो भी आयाम हैं उसमें उनका हस्तक्षेप है, चाहे बाल अपराध संबंधित हो, अपराध तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर बच्चों की शिक्षा को लेकर तो PFI का हस्तक्षेप, महिला है तो महिलाओं के संबंधित हस्तक्षेप, अगर सामाजिक है तो सामाजिक हस्तक्षेप, राजनीतिक है तो राजनीतिक हस्तक्षेप, जिसका SDPI वगैरह उनके जो पॉलिटिकल विंग्स हैं, उन्होंने देश के हर क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश की। और CAA के एजिटेशन में उनको 120 करोड़ का अनुदान मिला जो बेनामी खातों से आए। इन तमाम चीज़ों की ये भयावह स्थिति थी। ये तो भला हो कि PFI पे बैन लग गया, वरना उनके स्लीपर सेल्स जो सिमी पहले थी, जो 2006 में बैन हुई, उसके पुराने कार्यकर्ता सब PFI में अवतरित हुए। और विस्फोटक तैयार करना, आक्रमण करना, बम से हमला करना, हमारे महत्वपूर्ण संस्थान और व्यक्तियों को चिन्हित करना, उनके घर के नक्शे बनाना, पूजा स्थलों के नक्शे बनाना और एक ड्राई रन करते रहना कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम कैसे आक्रमण करें, इस चीज़ों के ऊपर देश विदेश और अभिसूचना तंत्र को सारी इंटेलिजेंस ले करके उसके ऊपर एक कार्य योजना चलनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने कई बार देखा है कि कई बार ड्रोन्स आ जाते हैं, संदिग्ध ड्रोन्स होते हैं, हालांकि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पूरा वो इस पर बहुत अच्छे से काम करता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो जो गलत चीज़ें गलत गतिविधि होने वाली होती है उसको पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या कहाँ कमी रह गई है, कहाँ हमें वर्क करने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान की सामर्थ्य नहीं कि हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। चीन, बड़े भाई साहब का हाथ उनकी पीठ पे है, तो चीन ने, आपने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, मशीन लर्निंग की बात कही, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कही, रोबोटिक्स की बातें कहीं, और ये फ्यूचरिस्टिक डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज की बातें की। पाकिस्तान में इतना दम नहीं है, लेकिन चीन उसकी पीठ पे जो हाथ रखे हुए है, वो जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसके बलबूते पे ये आप जो है मुँह छाँट रहे हैं। वक्त ये आ गया है कि आपने देखा होगा कि शुरू में जो ड्रोन इनकर्शंस थे और आज ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। बावजूद उसके हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है, ड्रोन वगैरह। और दूसरा, मैं तो ये कहूँगा कि अलग से कानून ला करके, जो स्टेट्स ये कहते हैं कि हम CBI को अनुमति नहीं देंगे, जैसे NIU की अनुमति का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ होंगी NIA तफ्तीश करेगी, स्टेट अपना कुछ भी करता रहे, यही बात CBI पे भी लागू होनी चाहिए। और एक फेडरल क्राइम हो जाना चाहिए जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ, जैसे NIA करती ही है, और भी जो इस तरीके के ग्रे एरियाज हैं उसमें NIA और CBI को छूट होनी चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करके अपराध पंजीकृत करके कार्रवाई करें। और आपने राष्ट्रीय मुद्दे में भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ रुपए का, प्रधानमंत्री जी ने कहा लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है और उस पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई, हालांकि आश्वासन ये मिला कि हो जाएगी, लेकिन जो हमारे, तो समझ लीजिए किसी ज़माने में जो हमारा GDP था उससे कई गुना ज़्यादा तो भ्रष्टाचार 10 स्टेट्स के नेतृत्व ने किया है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अगर वो होती है और उनकी संपत्ति कुर्क की जाती है, ये भी एक बहुत ही संतोष का विषय होगा। अभी UCC को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है, UCC अगर आता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन पहले ही कहा है कि UCC हम 2024 से पहले ला कर रहेंगे, इसका भी हमने विरोध देखा है कई बार, UCC क्यों ज़रूरी है अगर देश की सुरक्षा रक्षा के लिहाज से हम देखें तो? हर तरीके से इसमें अनावश्यक क्या है,
मैं ये जानना चाहूँगा, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान में कहा गया था कि कालांतर में यूसीसी एक देश के लिए विकल्प नहीं, एक अनिवार्यता होगी, मैं महिलाओं से पूछता हूँ कि अगर आपका पति एक शादी करे या चार शादी करे, आप क्या पसंद करेंगी? कोई ऐसी महिला मुझे नहीं मालूम है जो कहेगी नहीं, हमारा पति अगर चार शादी करे तो हमें वो ज़्यादा स्वीकार्य होगा। एक बच्ची है वो कहे इनहेरिटेंस में हमको भाइयों के मुकाबले हमारे साथ भेदभाव हो, कौन बच्ची ये चाहेगी? संपत्ति, विवाह, एक रूपता और समान अधिकार, इसमें तो जो आपत्ति कर रहे हैं वो अपनी अंदर अंतर्मंथन करें कि आखिर वो इस अच्छे कानून का विरोध कर क्यों रहे हैं। एक देश एक सिविल कोड, नहीं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आ जाइए, फिर उसमें भी क्यों नहीं शरीयत होता है कि अगर एक वर्ग का आदमी चोरी करे तो उसको 3 साल की सजा, और एक वर्ग का आदमी चोरी करे तो उसके हाथ काट लो, तो उसमें तो तुम कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम चाहोगे कि ऐसा हो कि तुम्हारे हाथ पैर काट लिए जाएं, तो ये नहीं, हमें जो पसंद है मीठा मीठा गब और कड़वा कड़वा थू। यूसीसी आता है तो ये स्टडीज में कहा गया है कि कोर्ट से केसेस कम हो जाएंगे, इंसाफ मिलने में आसानी होगी, डॉक्टर विक्रम सिंह क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहूंगा, मैं सहमत हूँ, जब आपके मुद्दे ही अपने समूल समाप्त हो जाएंगे, जब इनहेरिटेंस में कोई समस्या नहीं रहेगी, विवाह में तलाक में कोई समस्या नहीं रहेगी, जब और जो मौलिक चीज़ों हैं उनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा, सामान आचार संहिता रहेगी, सामान सिविल कोड रहेगा, सामान अधिकार रहेंगे, तो फिर विवाद किस बात का? और जो छोटे मोटे विवाद आएंगे वो जैसे निस्तारण होता वैसे निस्तारित हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम इस वक्त सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सिर्फ आपको यही देखने के लिए मिल जाएगा। आप मेरे से बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत चीज़ें आपने देखी हैं, कानून व्यवस्था आपने संभाली है इतने बड़े प्रदेश की, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फैक्टर है अराजकता फैलाने में, आगजनी करवाने में, पत्थरबाजी करवाने में, चाहे हम महाराष्ट्र उठा लें, चाहे हम उत्तर प्रदेश उठा लें, बांग्लादेश उठा लें। अभी आपने क्या देखा है? अभी AI को आने दीजिए, आ गया है AI। आज ही मैं देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक अरब की कोई सिंगर है उसकी आवाज़ में गाना गा रहे हैं, और कोई कह नहीं सकता कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं गा रहे हैं। तो इस तरीके के फेक न्यूज़, डीप फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, जब इनका समावेश करके कोई शरारती तत्व इस तरीके से न्यूज़ को वायरल करेगा, तो जो बच्चे हैं हमारे, खासकर 11 साल से लेकर के 22 साल तक, उनके जहन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, जो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बजिद है वो कहीं सीरिया का वीडियो, कहीं बांग्लादेश का वीडियो, कहीं पाकिस्तान का वीडियो, उसकी डॉक्ट्रिन करके AI के माध्यम से वो ऐसा प्रचार कर देगा जैसे मालूम पड़ेगा कि ये आप हमारे देश का मामला है और भड़काने की कोशिश कर रहा। ऐसे केसेस हो चुके हैं जब फर्जी वीडियो के माध्यम से, फेक न्यूज़ के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव फैला, झूठ के समाचार को लेकर के सांप्रदायिक उन्माद फैला। ये तो भला हो, लेकिन इसीलिए इसका दूसरा पक्ष ये है कि वो ज़माने चले गए जब पुलिस केवल लाठी डंडा चला करके काम कर लेती थी। अब पुलिस को चाहिए साइबर एक्सपर्ट्स को लेकर के फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाए, और कहीं से भी कोई अगर फेक न्यूज़ आता है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के ज़रिए, उसकी काट तुरंत के तुरंत होनी चाहिए। रात के 12 बजे है तो 12:02 तक उसकी काट आ जानी चाहिए, क्योंकि सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। मैं सब जगह यही कहूँगा कि फ़ौज में कहावत है, देर आर नो बैड सोल्जर्स, देर आर ओनली बैड जनरल्स। बुरे सिपाही नहीं होते हैं, बुरे IG, DIG या DGs होते हैं। अपने अंदर सौम्यता, गंभीरता, आत्मविश्वास जागृत करें, और ये अहंकार जहाँ कहीं भी हो, वर्दी का हो, पद का हो, ओहदे का हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। इस गरीब देश ने आपको सेवा का अवसर प्रदान किया है, एक बेशकीमती वर्दी दी है जो कि किसी भी अरमानी के लाखों रुपए के सूट से ज़्यादा उसकी पवित्रता है, गरिमा है और खूबसूरती है। हमारे यहाँ कई अधिकारियों ने कहा कि ये, मैं तो फिल्में नहीं देखता हूँ, कि दबंगम सिंघम 2 फिल्में आई थी, ये सबको ज़बरदस्ती दिखाई जाए फ्री पुलिस लाइन में लगा करके। क्यों दिखाई जाए? क्या हमारे यहाँ हीरोज़ की कमी है जो गोली खा करके खड़े हैं, जिनके यहाँ 25 तारीख के बाद अगर TA न मिले तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, जो गोली खा करके भी अपनी तनख्वाह से लोगों को, बच्चियों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, यतीमों को? वो हैं हमारे हीरोज़। हमारे हीरो फिल्में नचनियाँ नहीं हैं कि 3 बटन वर्दी के खोल के पिस्तौल खोस करके नाच रहे हैं। और कुछ तो हमने नहीं सीखा, लेकिन थाने में उसको देख करके शराबबाजी और नाच गाना ज़रूर शुरू हो गया। आप रियल लाइफ हीरो खुद बन जाइए, पूजे जाओगे, रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी जहाँ जाओगे लोग कहेंगे आप यहाँ लड़ जाइए, सबकी जमानतें आप जब्त हो जाएंगी यहाँ, अगर आपने काम सही से किया,
स्वाभिमान से किया है, सेवा भाव से किया है, जनता के सेवक के रूप में किया है। इसके अलावा धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये वाले मुद्दे जो है बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ गए हैं। धर्मांतरण क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या हम बचपन से ही उस पर काम नहीं कर रहे हैं या हम सिखा नहीं पा रहे अपने परिवार में कि अगर कोई गैर कौम का है तो वो भी आपका भाई है, अगर एक गैर कौम की लड़की है तो वो भी आपकी बहन है, उसको बहन और भाई की तरह ट्रीट करें। क्या हम लव जिहाद को नहीं समझ पा रहे हैं, क्या धर्मांतरण क्यों हो रहा है और क्यों बढ़ रहा है, क्या अपने ही लोग उसमें शामिल हैं, क्या कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उसमें शामिल हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? काजोल, ये चलता है एटीट्यूड जो है स्लो पॉइजनिंग। आपने लैंड जिहाद कहा, आपने लव जिहाद कहा, एक दो कन्वर्सेशन हो गए कि हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता है, एक दो फुटपाथ पे पूजा स्थल निर्मित हो गए जिसमें मैं कहता हूँ मज़ार भी है, मंदिर भी है, मठिया भी हैं। हमने कहा चलो चलता है, नहीं चलता नहीं है। आपके पास ड्रोन और सेटेलाइट इमेजिनरी है, कहीं भी अगर एक चीज़ बड़ी है तुरंत देखिए। और जैसे 47 के बाद जितने भी मलिका विक्टोरिया, जॉर्ज सिक्स, जॉर्ज पंचम, एडवर्ड द सात, सबकी मूर्तियां आपने उठा करके कहीं ये कोने में रख दी थी कि नहीं रखी थी, और जिसको बहुत श्रद्धा जा करके वहीं माला चढ़ा जाके मलिका विक्टोरिया के चरणों में। इसी तरह ऐसे जितने मठ, मज़ार, मंदिर हैं, इनकी जगह एक जगह बना दीजिए नदी के किनारे, वहीं पर रख दीजिए सबको एक जगह, जिसको श्रद्धा हो जाएगी वहाँ कोई नहीं जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वहाँ कोई नहीं जाएगा फूल चढ़ाने, चादर चढ़ाने। यहाँ पे चूंकि बेशकीमती ज़मीन पे कब्जे के आवरण में ये मठिया और मंदिर इसीलिए हैं कि इस पर कब्जा हो जाए, लेकिन देश को निर्णय लेना होगा इनको जल्दी से जल्दी हटवाएं। इजिप्ट वगैरह में मस्जिदें हटा दी गई, कोई नहीं बोला। सऊदी अरेबिया में जो बहुत मुकद्दस एक मस्जिद थी वो हटा दी गई, कोई नहीं बोला। यहाँ मालूम पड़े कि अभी यही नहीं मालूम कि नीचे किसका कंकाल है, और बड़े बड़े वो मज़ार, वैसे भी ये तो डिबेटेबल पॉइंट हो जाता है कि मज़ार स्वीकार्य है कि नहीं स्वीकार्य है, लेकिन इसके विवाद में न जा करके ये कहने कि सार्वजनिक भूमि पे आपका मठिया, मंदिर और मज़ार का कोई स्थान नहीं है, इनको हटना ही पड़ेगा। लव जिहाद अगर होता है, धर्मांतरण अगर होता है, तो बिल्कुल एक जैसे कम डाउन लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, जिसे कहते हैं कि ऐसा कहर आया आशिक इश्क भूल गए, ये जो मरीज़ इश्क है इनका वो इलाज होगा कि रियल लाइफ में ये शादी ब्याह नहीं करेंगे लव जिहाद वाले, अगर इनका इलाज कायदे से हो जाए। क्यों नहीं हो पाता? हो यूँ नहीं पाता है कि हम कोढ़ में टर्मिनल कैंसर में च्यवनप्राश खिलाते हैं, जब सर्जरी मांगता है तो च्यवनप्राश काम नहीं आ, फिर वहाँ सर्जरी काम आती है। तो जिसका जैसा हो मरीज वैसा करिए इलाज। राजनेता, सरकारें, ये आरोप लगते रहे हैं अधिकारियों पर भी कि जब जब सरकार बदली है अधिकारी उसी लिहाज से काम करते आए हैं, ये भी आरोप लगे हैं कि सरकार के कहने से अधिकारी चलते हैं, फ्री हैंड अधिकारियों को नहीं मिल पाता है, कई बार डर की वजह से, कई बार मानने की वजह से अधिकारी काम करते हैं। 2014 के बाद से ये कहा गया है कि अधिकारियों को फ्री हैंड है, अधिकारी जैसे चाहें कानून व्यवस्था को मजबूत करें, जैसे आपको ठीक लगे। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो योगी जी ने फ्री हैंड दिया हुआ है अधिकारियों को, जैसे चाहे, अपराध खत्म होना चाहिए, आपको कुछ भी करना पड़े, और हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। देखिए, निर्वाचित सरकार है, उसका अधिकार है कि दिशा निर्देश दे, लेकिन दिशा निर्देश दे, एक राजनेता ने यह कहा था कि फ्रेम आप बना सकते हैं कानून की परिधि के अंदर, आपके सवाल का एक संक्षेप में उत्तर दे रहा हूं, लेकिन उसमें फ़ोटो कौन से लगेगी ये अधिकार मेरा है बताना, फ़ोटो कौन से लगेगी वो आप नहीं लगाएंगे, फ़ोटो मैं लगाऊंगा। फ्रेम आप बनाइए कि सीआरपीसी आईपीसी के मुताबिक ये खाका है। मैं वही कहता हूँ कि सारे कर्तव्य को आप दो चीज़ों में डाल सकते हैं, एक जो लीगल है, पुलिस लाइन की ज़मीन है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कोई भी राजनेता, मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, उसको अधिकार नहीं है कि ये कह दे कि पुलिस लाइन की ज़मीन बिल्डर को जाके दे दीजिए, और करेगा तो उसका जवाब यही होगा, नहीं होगा, मेरी लाश के ऊपर से जिस दिन गुजरे उस दिन पुलिस लाइन की जमीन बिल्डर को दी जाएगी। बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी रहे हैं, बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, कानून व्यवस्था के तहत मैं काम करूंगा, मैं आपके लिहाज से काम नहीं करूंगा। या तो उन्हें मरवा दिया गया, या तो उन्हें जेल पहुंचा दिया गया, या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद ही ये लाइन छोड़कर एक ऐसी गुमनामी की ज़िंदगी में चले गए कि आज कोई नहीं जानता कि वो आईपीएस थे या डीजीपी रहे हैं या किसी बड़े पद पर रहे हैं। काजोल, मैं समझता हूँ कि आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी सवाल के साथ हम साक्षात्कार को समाप्त भी करते हैं। आप अगर सही हैं, सत्यनिष्ठ हैं और कानून से चलते हैं, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
ये जरूर करता कि सबसे तथाकथित महत्वहीन, जब मैं नौकरी में आया था तो मैंने कहा था कि मुझे आप बना दीजिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, मैंने कहा था मुझे अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था बना दीजिए, मुझे आईजी जोन मेरठ बनाइए, ना आप चाहे मुझे रूल एंड मैनुअल में रखिए, जो तथाकथित सर्वाधिक महत्वहीन है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण, आपका एकाधिकार है राष्ट्रपति का जो चेक हर महीने की पहली तारीख को मिलता है, वही एकाधिकार है, वो चाहे रूल्स एंड मैनुअल से मिले या पुलिस महानिदेशक में मिले, वो आपका एकाधिकार है, उसको लीजिए, बाकी दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनभाव। ऐसे राजनेता आते हैं और जाते हैं बड़े सम्मान और विनम्रता के साथ, होगा वही जो विधि सम्मत हो, उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। और इसी बात के लिए स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के लिए आई एस आई पी एस बना है, स्टील फ्रेम बनने के लिए, लुंज पुंज प्रशासन देने के लिए नहीं बना है। डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने समय दिया और बहुत ही बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था को समझाने की कोशिश की है, ना ही सिर्फ यूपी बल्कि हमने पूरे देश के कानून व्यवस्था को समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये साक्षात्कार बहुत ही पसंद आएगा और आ रहा होगा, और बहुत कुछ क्वेरीज जो होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। फिलहाल सीधी बात में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।